27 नवंबर है 2023 है, भारत की बात करेंगे 1907 जी। प्रसिद्ध कवि और लेखक डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन मधुशाला, आज के दिन ही इनका जन्म हुआ था 1907 में। और ये कहाँ हुआ था राजेश? तब तो ये नॉर्दर्न प्रोविंस बोला जाता था, वैसे वर्तमान की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिला जो है उसकी तहसील है रानीगंज राजेश, वहाँ का गांव है बाबूपत्ती। हाँ बिल्कुल, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। देखिए इन्होंने जो अपने शुरुआती पढ़ाई की वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, और उसके बाद ये सेंट कैथरीन कॉलेज जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का इंस्टीट्यूशन था वहाँ से इन्होंने पीएचडी की, और किसके ऊपर की थी राजेश? विलियम बटलर येट्स पे। येट्स साहब हम जो इंग्लिश साहित्य के छात्र हैं जिन्हें वो है, आप जानते हैं कि वो कितने बड़े लेखक रहे हैं आयरिश मूल के, उनके कृतित्व पर इन्होंने 1923 का नोबेल प्राइज जो था येट्स साहब को ही मिला था इस पे, आप ये कहिए लिटरेचर पे, तो उस पे। और देखिए फॉरेन में पढ़ाई, पीएचडी इंग्लिश में और पोइट्री ठेठ हिंदी में। बिल्कुल, ये बच्चन साहब की। और देखिए वैसे ये बच्चन जो था इनका तखल्लुस था, क्योंकि वैसे श्रीवास्तव नाम पर बच्चन, इसलिए जैसे बच्चे को बच्चन बोल देते हैं तो इन्होंने उस तरह से अपने नाम के साथ ये लगाया था शुरुआत में जब ये पोइट्री करने लगे थे। और फिर ये आपको पता है कि ये हमारे देश के बड़े सरनेम्स में से एक है। हाँ जी, तो आगे राजेश, 1895 अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल, सब जानते हैं अल्फ्रेड नोबेल साहब को, आप तस्वीर देख रहे हैं, स्वीडन के केमिस्ट इंजीनियर, और फिर उसके बाद क्योंकि इन्होंने डायनामाइट खोजा था तो खुद इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज में, क्योंकि इनको फैक्ट्री में ही ज़रूरत पड़ी थी कि कुछ गन पाउडर बारूद से ज़्यादा ज़ोरदार धमाके करने वाली चीज़ें हों जिससे कि ये सड़कें क्लियर हो सकें, चट्टानें उड़ाई जा सकें, है ना। फिर उसके बाद इन्होंने उद्योग भी लगाया, उसके बाद डायनामाइट से भी आगे कि इन्होंने धमाकेदार चीज़ें बनाई तो उद्योगपति भी थे राजेश। आज के दिन की हम क्यों जिक्र कर रहे हैं, आज के दिन इन्होंने नोबेल प्राइजेस की स्थापना की थी, एक विल लिखी थी इन्होंने जी, वसीयत था, उसमें इन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे मेरी कमाई का अधिकतर हिस्सा, शादीशुदा नहीं थे, शादी नहीं की थी, ये मानवता के काम आना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो डायनामाइट या बाकी विस्फोटक खोजे थे वो खोजे थे मानवता की भलाई के लिए। बिल्कुल, लेकिन इस्तेमाल अब उसका अभी तक भी और तरह से भी हो जाता है। सही है। फिर उन्हें लगा कि नहीं, ये मानवता के नाम ही मुझे कुछ करना चाहिए, तो प्राइसेस जो है जो दुनिया के सबसे प्रेस्टीजियस अवार्ड्स माने जाते हैं राजेश, आज के दिन स्थापना, शुरुआत में देखिए इन्होंने 5 क्षेत्रों के लिए ही कहा था, और वो 5 ही टेक्निकली नोबेल प्राइज हैं, वैसे 6 मिलते हैं। क्या क्या थे राजेश? फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी जैसे हम मेडिसिन भी बोलते हैं, इसके अलावा था लिटरेचर, और साथ में था पीसा, इन क्षेत्रों में पीस प्राइज मिलते थे। हाँ जी, 1968 में एक और इसमें 1968 में देखिए मैं आपको बताऊंगा कि शुरुआत तो पहली बार जो दे दिए गए थे तो ये 10 दिसंबर को दिए थे राजेश 1901 में, अल्फ्रेड नोबेल साहब की मौत हुए उस समय 5 साल हो चुके थे, लेकिन 5 ही मिलते थे। फिर जोड़ा गया इसमें इकोनॉमिक्स को, और इकोनॉमिक्स क्या इन्होंने लिखा था ना, इनके सम्मान में शुरू किया, किसने? बैंक ऑफ स्वीडन ने, जहाँ के नागरिक थे इनके सम्मान में, तो इकोनॉमिक्स इनके साथ ही घोषणा होती है, इनके साथ ही दिया जाता है, लेकिन टेक्निकली वो नोबेल प्राइज नहीं है। ये बात है। और राजेश इसमें एक और चीज़ है कि इन्होंने अपने विल में ही लिखा था कि 3 संस्थाएं वो डिसाइड करेंगी हर साल कि किसे नोबेल प्राइज देना है हर क्षेत्र में, उसमें से 2 स्वीडन की थी और 1 नॉर्वे की। तो आप देखिए जो नॉर्वे वाली संस्था है वो पीस प्राइज डिसाइड करती है, और तभी आपने देखा होगा कि वो पीस प्राइस जो नॉर्वे में दिया जाता है ये। अच्छा राजेश, 2014 पीडी जेम्स, आप ये इन महिला की तस्वीर देख रहे हैं राजेश जी, इनका आज के दिन निधन हो गया था। ये कौन है, हम इससे पहले भी चर्चा कर चुके हैं एक ऐसे ही लेखिका के बारे में, ये भी लेखिका पीडी जेम्स, इन्हें कहा जाता है, पहले मैं इनको बता देता हूं कौन है, ये मिस्ट्री नॉवेलिस्ट थी, ये मिस्ट्री नॉवेल लिखती थी जी। हमने द माउस ट्रैप के बारे में बात की थी, है ना, अगाथा क्रिस्टी के बारे में, लेकिन वो लिखती थी जासूसी, ये लिखती थी मिस्ट्री, फर्क है रहस्य। हाँ बिल्कुल, इसीलिए इन्हें क्वीन ऑफ क्राइम भी कहा जाता था, अभी भी कहा जाता है क्वीन ऑफ क्राइम, क्योंकि इन्होंने 14 नॉवेल लिखे राजेश, मैं आपको बताता हूँ, 14 नॉवेल, हाँ कुल 14 नॉवेल लिखे इंग्लिश में इन्होंने, और इसमें इनका एक कैरेक्टर होता था फिक्शनल कैरेक्टर, उसका नाम था डिटेक्टिव एडम डेगलिश, एडम डेगलिश, और स्कॉटलैंड यार्ड का एक जासूस इनकी इस नॉवेल में होता है, सब में लगभग यही हैं, यही हीरो होते हैं, कोई मिस्ट्री आती है उसे सॉल्व करते, चाहे वो मर्डर मिस्ट्री हो कुछ और हो, है ना, किडनैप हो, ये करते हैं। एडम डेगलिश साहब इनके कैरेक्टर थे, स्कॉटलैंड यार्ड मतलब जो लंदन की पुलिस है उसके ही एक जासूस बताए जाते हैं जी। आज के दिन का ऑक्सफोर्ड में निधन हुआ था, ऑक्सफोर्ड में इनका जन्म हुआ था।